हे व्हाट्सअप गाइस, तो मैं हूँ इस्कॉन और आपका इस्कॉन अंगर की वीडियो पे आपका स्वागत कर दूँ गाइस। तो मैं लेके आ गया हूँ कमाल की टेक्नोलॉजी अपडेट और बहुत सारे लीक्स। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस नंबर 6 की बात करें तो नोकिया का नेक्स्ट बजट मिड रेंज फोन जो कि होने वाला है नोकिया 6.3। तो गाइस मैं आपको बता दूं, नोकिया 6.3 कंपनी का नेक्स्ट जनरेशन फोन है जो कि नोकिया 6.2 का अपग्रेड वर्जन है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, नोकिया 6.3 बहुत ही जल्दी आपको मार्केट पे देखने को मिलेगा आने वाले समय पे, जो कि कंपनी से लॉन्च करने वाली अक्टूबर 2020 में। और ये कंपनी का बजट मिड रेंज फोन है, तो इस फोन में आपको प्रोसेसर भी बजट मिड रेंज ही देखने को मिलने वाला है। तो इसके फुल स्पेसिफिकेशन की बात करें जो कि अभी सामने आ चुके हैं, तो गाइस फोन में आपको देखने को मिलने वाला है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 675 चिपसेट प्रोसेसर। और इस फोन में आपको जो वेरियंट देखने को मिलेगा वो होगा 3GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला आपको वेरियंट देखने को मिलने वाला है, जिसकी कीमत होगी गाइस 20,400 रुपए के लगभग इस फोन का प्राइस होने वाला है। और इस फोन में आपको कैमरा की बात करें तो गाइस फोन में आपको देखने को मिलने वाला है 16MP का फ्रंट कैमरा। गाइस अब इसके रियर कैमरे की बात करें तो इस फोन में आपको रियर कैमरा देखने को मिलने वाला 13MP का, जो कि क्वाड रियर कैमरे के साथ आता है। अब गाइस मैं आपको फुली स्पेसिफिकेशन आने वाली वीडियो पे जरूर बता दूंगा और इसका कंफर्म प्राइस आपको मैं जरूर बता दूंगा। गाइस नंबर 5 की बात करें तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी के डेटाबेस को जनवरी में हैक कर लिया गया था, जिसमें लगभग 2.2 करोड़ यूजर्स की जानकारी को जोखिम में डाल दिया अनअकैडमी ने। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अमेरिका की एक सिक्योरिटी फर्म साइबल के अनुसार उन्होंने बताया है कि एक हैकर ने अनअकैडमी यूजर्स के डेटाबेस को गाइस चोरी करके उसे डार्क वेब पर $2,000 में बेच रहा है। लगभग गाइस इंडियन प्राइस में अगर कन्वर्ट करें तो 1,51,000 रुपए में वो गाइस डार्क वेब पर इस डेटा को बेच रहा है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप एक अनअकैडमी यूजर से, तो गाइस आपने आपको जल्दी से जो पासवर्ड और यूजर मेल आईडी है तो उसे जल्दी से आप अपग्रेड करो, नहीं तो गाइस में आपका भी डेटा जा सकता है। और साइबल ने बताया है गाइस कि जो अनअकैडमी में जो डेटा रखा गया, जो चोरी किया गया जो डेटा है 2.2 करोड़ लोगों का, उसमें से कई मेल्स तो गाइस कॉर्पोरेट से गाइस लिंक्ड हैं। तो इस तरह में आपका डेटा जो गाइस पूरी तरह से आपका कंप्यूटर या फिर बैंक अकाउंट भी आपका हैक हो सकता है। तो अभी जाके आप अपने ईमेल और पासवर्ड को और जो उसमें लिंक किया गया नंबर है उसे जल्दी से अपग्रेड कर दो, तो आप बच सकते हो गाइस। गाइस नंबर 4 की बात कर तो रियलमी के न्यू अपकमिंग फोन जो कि होने वाला रियलमी X3 प्रो। तो गाइस बता दें, कंपनी ने अभी इसे स्पोर्ट किया है N22 पे, तो N22 का जो स्कोर सामने निकल के आया है वो 6 लाख के लगभग आया है, जो कि गाइस एक बहुत बड़ा स्कोर है। तो गाइस में एक पावरफुल प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि है स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट 865 प्रोसेसर, जो कि 5G कोडम से लैस होने वाला ये फोन Realme X3 Pro। और इस फोन को कंपनी 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले वाले डिस्प्ले के साथ लॉन्च करेगी। और इसमें स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट 865 प्रोसेसर के साथ साथ आपको UF 3.1 का स्टोरेज सपोर्ट भी आपको देखने को मिलने वाला है। और अभी इसके कई सारे नए लीक सामने निकल के आ रहे हैं, तो गाइस मैं आपको इसके फुल स्पेसिफिकेशन वाली एक वीडियो बना के जरूर दूंगा। गाइस नंबर 3 की बात कर तो मीडियाटेक ने अनवील्ड कर दी अपने न्यू इम्प्रूव्ड चिपसेट प्रोसेसर, जो कि 5G चिपसेट प्रोसेसर हैं। और कंपनी ने एक इवेंट में इसे लॉन्च किया है, जिसमें कंपनी के फ्लैगशिप 5G चिपसेट प्रोसेसर हैं जो कि डबल डायमेंसिटी 1000 प्लस का सपोर्ट करते हैं। और ये बेस्ड है गाइस सेम कोर हार्डवेयर के साथ जो कि डायमेंसिटी 1000 पर बेस्ड हैं। और कंपनी के न्यू चिपसेट प्रोसेसर ये गेमिंग फोन और 5G के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन प्रोसेसर की मदद से आप कोई भी बड़ा गेम आसानी से खेल, तो इसमें आप 5G सर्विस को आसानी से ले पाओगे। और जिन फोन में प्रोसेसर लगे होंगे उनकी तो स्पीड बहुत ही ज्यादा होने वाली है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये 1000 प्लस चिपसेट जो प्रोसेसर हैं, ये गाइस 144Hz का स्क्रीन रेशियो सपोर्ट करते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल का सपोर्ट देखने को मिल पाएगा इन प्रोसेसर की मदद से। इसमें जो एक्सेप्टेड रेशियो होगा वो 21:9 का आपको एक्सेप्टेड रेशियो देखने को मिलने वाला है। और जो इस फोन में आपको 4K तक की क्वालिटी भी आपको देखने को मिल रही है कैमरे में। और गाइस मैं आपको बता दूं, इस फोन का जो सपोर्ट होगा प्रोसेसर जो कि अल्ट्रा सेम मोड है, वो आपके फोन की बैटरी को तो बचाएगी और जो फोन की जो पावर होगी, जो चलने की पावर होगी, वो बहुत ही ज्यादा होने वाली ये मीडियाटेक के प्रोसेसर के बाद। गाइस
गाइस नंबर टू की बात करें तो भारत में पिछले लगभग 2 महीनों से लॉकडाउन लगा है कोविड-19 के चलते। तो भारत में ऐसे कुछ दिन पहले सरकार ने केवल आवश्यक सामान के अलावा सभी गैर जरूरी सामान की बिक्री ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट में बंद की हुई थी। गाइस मैं आपको बता दूं, जोमेटो जो कि सभी को खाना पहुँचाने का काम करती है, जोमेटो के दिमाग में एक नया आइडिया आया। तो वो गाइस मैं आपको बता दूँ, जोमेटो के अब आप फ़ोन से ऑर्डर कर सकते हो, जोमेटो की वेबसाइट से शराब भी आप ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि आने वाले दिनों में ये बहुत जल्दी जोमेटो स्टार्ट करने वाली अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जो कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, जहां पे रेड जोन है वहां पे होम डिलीवरी होगी गाइस, और वाइन्स की तो आप वहां पे आसानी से वियर को आसानी से मंगा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, आपकी चॉइस के हिसाब से आपको जोमेटो लाके देगा गाइस, जो कि बहुत जल्दी ये सर्विस स्टार्ट करने वाली है जोमेटो कंपनी। दोस्तों गाइस नंबर वन की बात करें तो एप्पल द्वारा आयोजित किए जाने वाला टेक इवेंट, जो कि सबसे बड़ा टेक इवेंट माना जाता है एप्पल की तरफ से, जो कि गाइस WWDC 2020 जो कि कोविड-19 के चलते से कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, कंपनी ने एक इन्फॉर्मेशन दी कि इसे इवेंट को जून के महीने में किया जाना है, और कंपनी ने इस डेट का गाइस खुलासा भी कर दिया, जो कि 22 जून 2020 को इस इवेंट को किया जाएगा। इस इवेंट में गाइस दुनिया भर से बहुत सारे लोग आते इस इवेंट में हिस्सा लेने, और बड़े बड़े डेवलपर इस इवेंट का हिस्सा होते। तो गाइस मैं आपको बता दूं, कंपनी पहली बार वर्चुअल आयोजित करने जा रही, जो कि आप घर बैठकर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए इस इवेंट को देख सकते हो, और ये बिल्कुल फ्री होने वाला है। और ये ऑनलाइन इवेंट लाखों क्रिएटिव और इनोवेटिव डेवलपर्स जो कि एप्पल के इंजीनियरों के साथ जुड़ने का अवसर मिलने वाला है, और इस इवेंट की मदद से आप बहुत सारे लोगों को देख पाओगे, महसूस कर पाओगे गाइस घर में बैठ के, जो कि कोविड-19 के चलते गाइस अभी से हमें देखने को मिलेगा। एप्पल का साल का सबसे बड़ा इवेंट, जो कि गाइस एप्पल का सबसे बड़ा इवेंट WWDC 2020 गाइस, साल का सबसे बड़ा इवेंट होने के साथ साथ कंपनी इस इवेंट में बहुत सारे नए नए इनोवेटिव जैसे आईपैड ओएस, मैक ओएस, वॉच ओएस और टीवी ओएस से जुड़े अपने फ्यूचर प्लान की जानकारी देता है कि आने वाला आईफोन इस तरह होने वाला, आने वाली हमारी जो टीवी है वो इस तरह होने वाली है, और जो हमारा सिस्टम होने वाला वो किस तरह होगा। इस इवेंट में आपको देखने को सभी चीज़ें मिलने वाली है गाइस, तो आप ज्वाइन होना 22 जून को, जो कि साल का सबसे बड़ा इवेंट है एप्पल का गाइस।